राजस्थान की सियासत किस करवट बैठेगी तय होना बाकी है। पक्ष विपक्ष के नेताओं की बैठकें जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट पैलेस पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में बड़ा सियासी संदेश निकलकर सामने आया है। पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब लगभग बंद बताए जा रहे हैं। इस बैठक में विधायकों ने सचिन पायलट सहित बागियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने आश्वासन दिया, बागियों की हाईकमान के सामने पैरवी नहीं होगी। इस बैठक के दौरान शांति धारीवाल सचिन पायलट पर जमकर बरसे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, जीत हमारी और सत्य की होगी। हमारे विधायकों की एकता अटूट है। विधायकों की एकता की वजह से बीजेपी को बाड़ेबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या चाहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी की साजिश की पोल खुल चुकी है, ये बीजेपी के विधायक भी जानते हैं। पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के नाम एक चिट्ठी लिखी। 3 पेज की चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने कोरोना के हालातों पर सरकार की भूमिका के बारे में विधायकों को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विधायकों से जनता की आवाज़ सुनने, लोकतंत्र को बचाने के लिए फैसला लेने का आग्रह किया। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है, सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए कांग्रेस के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। विधायक दल की इस बैठक के बाद सचिन पायलट और उनके विधायकों का स्वागत कांग्रेस पार्टी दिल खोल कर करेगी, इसके आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से एक्शन लेने के मोड में तैयार है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।